So our next topic is periodicity and the cause of periodicity. ठीक है, अब periodicity क्या होती है पहले मैं इसके बारे में बात करेंगे. So what is periodicity? तो periodicity is nothing but it is the reoccurrence of similar properties of the elements after certain regular interval when they are arranged in the order of increasing atomic number, that is called as the periodicity. ठीक है, हमें पता है कि जो periodic table बना हुआ है उसमें जो elements हैं they are arranged in terms of their increasing atomic number. ठीक है, so from left to right. ठीक है, जब हम पीरियड में जाते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक जो है प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आती है, बट लास्ट में जाके फिर जब नेक्स्ट एलिमेंट वहां पे रखते हैं पीरियोडिक टेबल में विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है जो ठीक है जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो जो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट एलिमेंट रखा था उसके जैसी होती है, इसलिए हम उसको उसके नीचे रख देते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा वहां पे आता है, इसके आगे हम उसको एक्सटेंड नहीं करते हैं. ठीक है, सिमिलरली फिर ये लेफ्ट से राइट जाते हैं, फिर उस जगह पे जाके जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी फिर जो है वो फिर फर्स्ट एलिमेंट जैसी होती है. तो हम जो हमने एलिमेंट्स रखे हुए हैं पीरियोडिक टेबल में इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो वहां पे कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद हमारे पास जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो फिर से अपीयर होनी शुरू होती है. ठीक है, सो दिस रीअकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स व्हेन दे आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, जो रीअकरेंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी बोलते हैं. ठीक है, एंड वी नो दैट द एटम कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस विच इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिटल्स. ठीक है, अगर हम ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो वहां पे न्यूक्लियस की जो इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ठीक है, न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आती है, बट देर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी वेरियस शेल, ठीक है, ऑफ देयर एटम विच डिटरमिन दी देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, हमने ये भी देखा हुआ है कि जो प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एटम की दैट डू नॉट डिपेंड मच ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल. सिर्फ आउटर शेल एक ऐसा हमारे पास शेल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और उसी के ऊपर सारी प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है. ठीक है, so the arrangement of electron in the outermost shell which is known as the valence shell that determines the properties of the atoms. अगर हम बात करते हैं किसी एक अल्कली मेटल्स की, ठीक है, अल्कली मेटल्स की हम बात करें तो अल्कली मेटल्स में हमने देखा है कि जो उनका आउटर शेल है, ठीक है, आउटर शेल में हमारे पास देर इज वन इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल. ठीक है, सो एन इज द नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, जो हमारे पास पीरियड नंबर होता है. ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है, देर इज वन इलेक्ट्रॉन. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द जो हमारे पास है अल्कली मेटल्स है उनकी क्या होती है, एन एस वन होती है. ठीक है, सिमिलरली अगर हम नोबल गैसेस की बात करते हैं तो नोबल गैस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एन एस टू एन पी सिक्स होती है. मीन्स अगर हम बात करते हैं नियोन की तो नियोन में हमारे पास 2s2 2p6 है. तो उसके बाद अगर हम आर्गन की बात करते हैं तो 3s2 3p6 मींस एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज जो बीच में रीअकर हो रही हैं दैट इज नोन एज द पीरियोडिसिटी. ओके, नाउ अ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. तो उसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो वो हमने इसमें डिस्कस करना है. व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिक City. You may be asked this question in examination. What do you mean by the periodicity and what is the cause of periodicity? Okay. So, the cause of periodicity of the property of the element is the repetition of the similar electronic configuration.
ठीक है, हमने अभी देखा था कि देयर इज ए रेपिटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर एटम इन द आउटर मोस्ट शेल। सिर्फ लास्ट शेल की बात करनी है, वेलेंस शेल की बात करनी है, ठीक है। आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल तो हमारे पास क्या होती है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, तो जिसके कारण हमारी जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या करती हैं, पीरियोडिक वेरिएशन शो करती हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, इट इज द रेपिटेशन, द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर एटम इन द आउटर मोस्ट शेल विच इज नोन एज द वेलेंस शेल, ठीक है। आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल्स, ओके, सो दिस इज द रीजन। अब बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, कि जो प्रॉपर्टीज जो है पीरियोडिकली दोबारा से अपीयर होती हैं, बार बार अपीयर होती हैं, दैट प्रॉपर्टीज आर नोन एज द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ओके। सो ये प्रॉपर्टीज फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, ठीक है। सो देर आर मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विच शो द पीरियोडिक वेरिएशन विद एटॉमिक नंबर। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर लाइक वेलेंसी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, सिमिलरली एटॉमिक साइज, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इनमें भी हमें पीरियोडिक वेरिएशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दीज आर सम प्रॉपर्टीज विच आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो क्या है हमारे पास जो है दैट आर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स, ठीक है। एंड देर आर सम प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है, दीज आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड दीज आर सम प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियाई के बारे में, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, कितने टाइप का हम एटॉमिक रेडियाई स्टडी करते हैं, और उनमें पीरियोडिक वेरिएशन कैसे आती हैं, भी अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप क्या है, किस तरीके से एटॉमिक रेडियाई जो है वो वेरी करता है। तो पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एटॉमिक रेडियाई होता क्या है, ठीक है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्यों, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक रेडियाई से रिलेट करती है, ठीक है। जनरली जो टर्म एटॉमिक रेडियाई है दैट मीन्स the distance from the center of the nucleus to the outermost shell, ठीक है, क्या होता है, the distance from center of the nucleus to the outermost shell of electrons, ठीक है, इसको हम जनरली एटॉमिक रेडियाई कह देते हैं, ठीक है। मींस हमारा कोई एटम है, उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके जो लास्ट वेलेंस शेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन है वहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द एटॉमिक रेडियाई, क्योंकि एक एटम का ये सेंटर से वहां तक लास्ट शेल जो सर्कमफ्रेंस होगा, जो लास्ट शेल है, ठीक है, उसको हमने उसका रेडियस बोल दिया। बट यहां पर बात आती है कि जो एटम्स हैं अगर तो वो स्फेरिकल हैं फिर तो ठीक है, हम मान सकते हैं ये चीज़ हो सकती है, बट अगर एटम्स के है मतलब स्फेरिकल नहीं है तो उसका अगर वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के हुए तो मींस वहाँ पे उसका जो रेडियस है वो डिफरेंट हो सकता है। बट फॉर कन्वीनियंस हम मान के चलते हैं कि जो एटम्स हैं दे आर स्फेरिकल एटम्स, ओके। सो द एब्सोल्यूट साइज ऑफ दिस एटम इज वेरी डिफिकल्ट टू बी डिफाइंड, क्यों, क्योंकि अब देखो हमने क्या बोला हुआ है कि जो एटम का साइज होता है तो वो क्या होता है, वेलेंस शेल तक हम डिस्टेंस देखते हैं न्यूक्लियस से, ठीक है, मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पे होता है,
बट हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था हमने कि जो प्रोबेबिलिटी पिक्चर होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, ये जो हम लास्ट यहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ करते हैं ये एक्चुअल में बाउंड्री नहीं होती वहां पे, दैट इज द हाईएस्ट लिमिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू बी फाउंड। बट ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां तक ही होते हैं, दे हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन आउटसाइड दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, ऐसा नहीं है, बस यहां पे ये मानते हैं कि यहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है बट इसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। सो एग्जैक्ट साइज और एग्जैक्ट रेडियस ऑफ द एटम इज वेरी डिफिकल्ट टू बी फाइंड, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बताया कि दे डू नॉट हैव द वेल डिफाइंड बाउंड्री, ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो इवन एट ए लार्ज डिस्टेंस। अगर हम यहां पे बात करते हैं तो न्यूक्लियस से यहां पे भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, चाहे वो 0.001 प्रोबेबिलिटी हो, बट प्रोबेबिलिटी तो है ना, तो इसलिए ये कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, बट हम मान के चलते हैं कि ये उसकी एक बाउंड्री है, ठीक है, जहां पे प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम मिलती है हमें, ठीक है। सो इसलिए एटम का साइज जो है एग्जैक्ट फाइंड आउट कर पाना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। सेकेंडली, किसी एक एटम का साइज फाइंड आउट करने के लिए हमें उसे आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट में देयर आर मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम्स विच आर देयर, ठीक है, तो एक एटम का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमें वहां से उसको आइसोलेट करना पड़ेगा टू मेजर इट्स रेडियस, ठीक है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट एन एटम एंड मेजर इट्स रेडियस। सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर एटम्स, ठीक है, जो उसके नेबर में एटम्स और हैं उनके साथ उसकी जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की दैट इज ऑल्सो चेंज्ड। सो फॉर दिस रीजन द साइज ऑफ एटम मे चेंज इन गोइंग फ्रॉम वन सेट ऑफ एनवायरमेंट टू द अदर सेट ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। सो वी कैन सिंपली से दैट द एटॉमिक जो रेडियस है दैट इज द इफेक्टिव साइज, ठीक है, दैट इज द इफेक्टिव साइज, दैट इज नॉट ए एक्चुअल साइज, दैट इज द इफेक्टिव साइज, विच मीन्स द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या मतलब है इफेक्टिव साइज का? द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ वन एटम टू अनदर एटम, ठीक है, इन ए गिवन बाउंड्री, ठीक है, गिवन बाउंड्री सिचुएशन और बाउंड्री कंडीशन, गिवन बाउंड्री और बाउंड्री और बॉन्डिंग सिचुएशन, ठीक है, बॉन्डिंग सिचुएशन। सपोज दो एटम्स के बीच में इंटरेक्शन है, दो एटम्स क्या है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, सपोज दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इससे ज्यादा वो एक दूसरे के क्लोज नहीं जा सकते हैं, ठीक है। सो यहां पे जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन एटम टू द सेंटर ऑफ सेकंड एटम, ठीक है, सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां से हम उसका जो है क्या कह सकते हैं, साइज उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास कोई दो एटम्स क्लोज आते हैं तो उनके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, क्योंकि हम न्यूक्लियस से बाइंड ऑफ कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पे तो हमने दो एटम सेम दिखा दिए, बट दोनों एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक एटम छोटा हो सकता है, एक एटम बड़ा हो सकता है, तो उस केस में ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एटम का जो साइज है उसके अकॉर्डिंगली इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी हमारा वेरी करेगा, ओके। तो बेस्ड अपॉन द गिवन बॉन्डिंग सिचुएशन तो हम उसका जो इफेक्टिव साइज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो कैसे निकलेगा? फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। वो क्या होता है कि जो हमने न्यूक्लियस से हमने डिस्टेंस लेना है एक एटम्स के दूसरे एटम के जो बीच में न्यूक्लियस देख रहे हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में भी किस तरीके की बॉन्डिंग हो रही है। अगर तो कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है तो ये जरूरी नहीं है कि ये एटम इस तरीके से होंगे, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो उसमें दोनों के ऑर्बिटल जो है वैलेंस ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं, ठीक है। उस केस में सेंटर एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वो इस टाइप के एटम से क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। अगर तो एटम सेम है, अगर तो दोनों एटम सेम है, मींस होमोन्यूक्लियर एटम्स हैं, ठीक है, उस केस में जो उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसका हाफ करके हम उसका जो है एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो द एटॉमिक रेडियस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लिमिट ऑफ अप्रोच ऑफ अनदर एटम इन ए पर्टिकुलर सब्सटेंस गिव द एटॉमिक रेडियस, ठीक है।
सो अटोमिक रेडियाई मे ऑल्सो भी कॉल्ड एज दी कोवलेंट रेडियाई, क्योंकि डिपेंडिंग क्या है कि किस टाइप की उनके अंदर जो है इंटरेक्शन हैं, वो कोवलेंट रेडियाई भी हो सकता है, ठीक है, वो वंडरवाल रेडियाई भी हो सकता है, वंडरवॉल्स रेडियाई, और ये आयनिक रेडियाई भी हो सकता है। अगर उनके अंदर इंटरेक्शन जो है वो आयनिक है तो वो रेडियाई जो है वो आयनिक रेडियाई भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज ए कोवलेंट रेडियाई और कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस, ठीक है, कोवलेंट रेडियस क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो रेडियस है किसी एटम का वो हम कैसे निकालते हैं, बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू एटम्स, जिसको हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रेक्शन और सम स्पेशल स्टडीज वी कैन फाइंड आउट द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। सो अगर मैंने जैसे बताया कि अगर होमो न्यूक्लियर हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है अगर कोई, ठीक है, तो उस केस में जो अटोमिक रेडियस होगा दैट इज डिफाइंड एज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द टू सिमिलर एटम्स विच आर बॉन्डेड टुगेदर इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, तो दैट इज नोन एज ए कोवलेंट रेडियस और द अटोमिक रेडियस, ठीक है। सो इन दैट केस द होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के बीच में जो अटोमिक रेडियस आएगा उसको हम कोवलेंट रेडियस बोलेंगे, क्योंकि होमो न्यूक्लियर एटम जो सेम टाइप के एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। जैसे बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। शेयरिंग कब होती है, जब उनके अंदर ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, तो एक एटम के डिस्टेंस से दूसरे एटम का जो डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको हम विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रेक्शन ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम उसका हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एटम का जो है रेडियस आ जाएगा, जो कि एटॉमिक रेडियस है। अब उस एटॉमिक रेडियस को हम यहां पे कोवलेंट रेडियस बोलेंगे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज नोन एज द हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिस कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये एक्सरे डिफ्रेक्शन से पता चला कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है हाइड्रोजन के बीच में दैट इज 0.74 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अगर हम इसका हाफ करेंगे सो वी विल गेट द अटोमिक रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज द अटोमिक रेडियाई विच इज नोन एज द कोवलेंट रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ अगर हम हैलोजन्स की बात करते हैं तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है क्लोरीन के बीच में दैट इज अराउंड 1.28 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में होता है 1.98 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, और ब्रोमीन की बात करते हैं तो ब्रोमीन में होता है ये 2.28 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। इनका हाफ करते जाएंगे तो हमें क्या मिलता जाएगा, अटोमिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस मिल जाएगा फ्लोरीन एटम का, क्लोरीन एटम का और ब्रोमीन एटम का, ठीक है। तो इसका आप करते हैं तो हमारे पास आएगा ये 0.64 आर्मस्ट्रॉन्ग, यहां पे आ जाएगा ये 0.99 आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड यहां पे आ जाएगा ये 1.14 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। दीज आर द कोवलेंट रेडियस ऑफ फ्लोरीन, दिस इज फॉर क्लोरीन एंड दिस इज फॉर ब्रोमीन, ठीक है। ये तो बात थी होमोन्यूक्लियर की जिसमें हमारे पास दो एटम्स क्या है सेम है। अब बात करते हैं हम कि हिट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में जब उनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही होती है, ठीक है, तो उन दोनों में दोनों एटम जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब बात आ रही है हिट्रो न्यूक्लियर, जैसे HCl की बात करते हैं, ठीक है, अब हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट है और इनका जो साइज है वो भी डिफरेंट है। तो ये दोनों जो बॉन्डिंग कर रहे हैं उसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, और दोनों एटम्स क्या डिफरेंट है, तो दिस इज नोन एज द हिट्रो न्यूक्लियर डाई अटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, विच आर कंटेनिंग दी डिफरेंट एटम्स। सो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो कोवलेंट रेडियाई है बिटवीन द कोवलेंट रेडियाई ऑफ द डिफरेंट जो एटम्स हैं विच आर ज्वाइंट बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटली भी बहुत जो रिजल्ट है हमारा वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आता है, जब दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो, उनमें जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो। मींस अगर हमने फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन केस ऑफ HCl और इफ वी फाइंड आउट द रेडियस ऑफ क्लोरीन इन केस ऑफ दिस मॉलिक्यूल, सो इनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आएगा उनमें क्या होगा, दोनों का हमने जो रेडियस है उसको ऐड करना पड़ेगा, दैट विल गिव द रेडियस ऑफ HCl और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ HCl, ठीक है।
क्योंकि अब इन दोनों में केस की क्या होता है कि जो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत कम होती है। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है कि सपोज अगर हमारे पास दो एटम जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो उसका अगर हमने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालना होता है, दैट इज गिवन बाय अ फॉर्मूला, दैट इज रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस एक्स ए माइनस एक्स बी का मॉड। ठीक है, अब दिस व्हाट इज दिस, दिस एक्स ए इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, एक्स बी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। ठीक है, उनका डिफरेंस लेके अगर हम दोनों के रेडियस को एड करके उसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ जाएगा। अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वैल्यू वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस केस में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वो क्या आ जाएगा, सम ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट एटम एंड द सेकेंड एटम। ओके, तो एच सी एल में हाइड्रोजन और क्लोरीन के केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.0 होती है और जो क्लोरीन है उसकी 3.2 होती है, तो अप्रोक्सीमेटली बराबर सी है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं। वहां से भी हम जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमें जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी से मिलता है, ठीक है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमने हाइड्रोजन का देखा अभी एटॉमिक जो हमारे पास साइज था जो हमने H2 में फाइंड आउट किया था दैट वाज 0.37। ठीक है, और क्लोरीन का हमने देखा कितना है 0.99। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 1.36 ऑर्मस्ट्रॉन्ग। जो एक्सपेरिमेंटली एक्सरे डिफ्रेक्शन से हमें जो इसका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मिलता है दैट इज 1.31। अब ये जो डिफरेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ द स्मॉल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इक्वल वैल्यू आ रही है। फर्क वहां पे पड़ता है जब हमारे पास क्या होते हैं, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, उस केस में वी कैन नॉट इजिली फाइंड आउट द कोवेलेंट रेडियस ऑफ द एटम्स। ठीक है, क्योंकि वहां पे उसको हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। ओके, और उसको हम सीधली हाफ करके उसका जो है एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने अब HCl में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखा कितना आया, 1.36 आया, जो हमने थ्रेटिकली कैलकुलेट किया। अब अगर हम इसका हाफ कर देते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, जो साइज है वो जो है अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा इसमें, दैट इज वुड बी 0.72। ठीक है, तो अब ये 72 ना तो हाइड्रोजन का है ना ही क्या है उसका क्लोरीन का है, तो इस केस में हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं ऐसे उनके साइज को ऐड करके, बट हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से साइज नहीं कैलकुलेट कर सकते। हाँ, अगर हमें एक एटम का साइज पता हो तो हम दूसरे का कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पता है HCl का, दैट इज 1.36 ऑर्मस्ट्रॉन्ग है, एंड वी नो दैट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज 0.37। सो जस्ट सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन रेडियस इनटू द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ HCl वी कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। और बात आती है अगर हमने नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करना है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल से नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड होती है। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन के डायटॉमिक मॉलिक्यूल से हम नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि इसमें क्या होती है, डबल बॉन्ड होती है। तो डबल बॉन्ड से क्या होता है कि हमारे पास जो दोनों के न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको जस्ट हाफ करके जो इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है और इसका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ करके हम एक एटम का साइज नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो वेरी करेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, उस केस में अगर सिंगल बॉन्ड होती है तो उस केस में जो नाइट्रोजन का जो रेडियस है दैट कम्स आउट टू बी 0.70 ऑर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें आता है हमारे पास 0.60। ठीक है, और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड की हम बात करें तो इसके अंदर जो हमारे पास रेडियस फाइंड आउट आता है दैट इज 0.55। अब इतना वेरिएशन है। ठीक है ना, तो इसलिए हम अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम सपोज करो हमारे पास मिथाइल अमीन है, तो मिथाइल अमीन में जो कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा वहां से हम क्या कर सकते हैं, कार्बन का जो रेडियस है उसको माइनस करके हम नाइट्रोजन का जो रेडियस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बट होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से हम नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि इट विल गिव अस द डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे पास है मेटालिक रेडियस। सेकंड वी हैव द मेटालिक और क्रिस्टल रेडियस। ठीक है, सो ये जो मेटालिक रेडियस है दिस गिव्स अस द साइज ऑफ द एटम इन केस ऑफ द जो मेटल्स होती हैं, स्पेशली उस केस में मिलता है क्योंकि इसलिए हम इसका नाम मेटालिक रेडियस या फिर क्रिस्टल रेडियस रखते हैं।
ठीक है. इन केस ऑफ मेटल अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड दे आर हेल्ड बाय मींस ऑफ द मेटालिक बॉन्ड. ठीक है, और उनके अंदर जो क्लोज पैकिंग है मेटल एटम्स की, दैट इज नोन एज द क्रिस्टल लैटिस. उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, या फिर उसको हम मेटालिक लैटिस भी कह देते हैं. दैट इज ऑल्सो नोन एज द मेटालिक लैटिस. ठीक है, एंड दिस पैकिंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट मेटल्स. ओके, तो मेटालिक रेडी है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज डिफाइंड एज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स ऑफ अ मेटल इन अ मेटालिक, इन अ मेटालिक लैटिस. ठीक है, एक मेटल लैटिस में जो दो एटम्स हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज पड़े हुए हैं, सपोज दिस इज ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ठीक है, इस तरीके से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं. ओके, तो उसमें जो दो एटम्स क्या है एक दूसरे के क्लोज पड़े हुए हैं, उनके अंदर जो बॉन्ड डिस्टेंस है उसका जो हम हाफ करेंगे तो दैट विल गिव अस द मेटालिक रेडियाई. ठीक है, अब इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस है बिटवीन द नियरेस्ट नेबरिंग जो एटम्स है मेटालिक क्रिस्टल में, दैट इज डिटरमाइंड बाय द एक्सरे डिफ्रेक्शन. ठीक है, तो हम जस्ट उसका हाफ करेंगे सो वी विल गेट द इस मेटालिक रेडियाई. और एक बात यहां पे नोट करने वाली है, जो मेटालिक रेडियाई होता है, मेटालिक रेडियाई है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कोवेलेंट रेडियाई. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मेटालिक रेडियाई ऑफ सोडियम, अगर हम सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले लेते हैं, ओके, तो उसमें जो सोडियम मेटल है उसका जो मेटालिक रेडियाई मिलता हमें दैट इज 1.86 ऑमस्ट्रॉन्ग. बट अगर हम इसका कोवेलेंट रेडियाई की बात करें तो कोवेलेंट रेडियाई ऑफ सोडियम इज अराउंड 1.54 ऑमस्ट्रॉन्ग. ठीक है, सो दिस इज बिकॉज द मेटालिक बॉन्ड इज वीकर देन ए कोवेलेंट बॉन्ड, देयरफॉर द मेटल एटम इन ए मेटालिक लैटिस आर नॉट ड्रॉन एज क्लोज टू ईच अदर एज इन द कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, ये डिफरेंस इस वजह से आया. नेक्स्ट थर्ड टाइप का जो हम इसमें रेडियाई पढ़ते हैं दैट इज वंडर वॉल रेडियाई. ओके, वंडर वॉल रेडियाई और वंडर वॉल रेडियस. ठीक है, अब ये क्या चीज होता है, देखो ये जो रेडियस है ये हम उनमें देखते हैं जो मॉलिक्यूल्स क्या हो, नॉन पोलर हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, या फिर हमारे पास जो नोबल गैस के एटम्स होते हैं. ठीक है, नोबल गैस के जो एटम्स होते हैं, क्योंकि अब उनके अंदर तो मॉलिक्यूल बनते नहीं है. ठीक है, अब उनके अंदर क्या रहेंगे, एटम्स रहेंगे. और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो, मींस होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, अब किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो ये देखा गया है कि जो वंडर वॉल रेडियाई है दैट इज बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूट्रल एटम ऑफ द नोबल गैसेस और द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस. बिकॉज जो उनके अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, वीक वंडर वॉल फोर्सेस होती हैं. एंड ड्यू टू दीज वीक वंडर वॉल फोर्सेस द नोबल गैस जो एटम्स हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर हेल्ड टूगेदर पर्टिकुलरली इन द सॉलिड स्टेट. ठीक है, अब मैं बात करता हूं, ये सपोज एक नोबल गैस का कोई एटम है और ये दूसरा उसी नोबल गैस का दूसरा एटम है. अब क्योंकि इनके अंदर कोई इंट्रैक्शन जो है दैट इज वीक वंडर वॉल फोर्सेस, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके जिनके अंदर जो इंट्रैक्शन हैं वो स्टेबल हो जाती हैं, मींस ना मोर उसमें के अंदर ज्यादा अट्रैक्शन है ना ही उसमें क्या रिपल्शन है, तो उस स्टेट में इनके सेंटर में से हम जो डिस्टेंस देखते हैं दैट इज नोन एज द इंटर अटोमिक डिस्टेंस, और उसका जो हाफ करते हैं दैट गिव अस द वंडर वॉल रेडियाई. ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की. जैसे मैंने बात किया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अब ये बना कैसे, बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स. अब ये तो बन गया हमारे पास यहां पे ये कोवेलेंट रेडियाई, दिस इज ए कोवेलेंट रेडियाई. ठीक है, अब सेंटर से सेंटर का ये डिस्टेंस हो गया. अब ऐसा एक मॉलिक्यूल हमारे पास और भी पड़ा हुआ है. ठीक है, इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये भी पड़ा हुआ है. ये सारे क्या हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं. दिस इज आल्सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इज आल्सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ठीक है, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उन केस में जो मॉलिक्यूल्स में
एटम्स हैं, ठीक है। अब ये एक एटम है इस मॉलिक्यूल का, ये एक एटम है दूसरे मॉलिक्यूल का। नाउ दीज टू एटम्स आर नॉन बॉन्डेड टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ ये बॉन्डेड नहीं है, ठीक है ना। अब एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर तक जो कि नॉन बॉन्डेड एटम है, यू कैन से फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन नॉन बॉन्डेड एटम टू द सेंटर ऑफ अदर नॉन बॉन्डेड एटम, उनके अंदर का जो डिस्टेंस रहेगा दैट वुड बी नोन एज द वन डर वाल्स डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज नोन एज द वन डर वाल्स डिस्टेंस और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। एंड हाफ ऑफ दिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस गिव अस द वन डर वाल्स रेडियाई, ठीक है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं या फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, सपोज अगर ये क्लोरीन मॉलिक्यूल होता तो इसके बीच का जो वन डर वाल्स रेडियाई देखने को मिलता है दैट इज 1.80 ऑंस्ट्रोंग, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स में हमें डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई देखने को मिलते हैं, क्लियर। सो अब यहां से भी ये क्लियर हो गया कि जो वन डर वाल्स रेडियाई है, जो वन डर वाल्स रेडियाई है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन दैट ऑफ द कोवेलेंट रेडियाई, क्योंकि कोवेलेंट रेडियाई में क्या होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं, एटम्स क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैपिंग से उनके बीच की जो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिक्रीजेस, ठीक है, उसकी वजह से इनका जो साइज होगा वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है। और जो वन डर वाल्स रेडियाई है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस कोवेलेंट रेडियाई, क्योंकि इसमें हमारे पास इंटरेक्शन जो है बहुत वीक है, कोवेलेंट इंटरेक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका जो ट्रेंड है पीरियड में और जो ग्रुप में जो वेरिएशंस हैं वो क्या चीजें हैं। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन अ पीरियड, ठीक है, पीरियड में क्या वेरिएशंस आती हैं। इन जनरल ये देखा गया है कि जो एटॉमिक रेडियाई है दैट डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, क्या करता है वो डिक्रीज करता है, ओके। और सेकेंड पीरियड की अगर बात कर ले, फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन की बात करते हैं हम नोबल गैसेस नहीं ले रहे हैं इसमें, तो लिथियम टू फ्लोरीन जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज करता है। अब बात आती है भी ये डिक्रीज क्यों करता है, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। सो दिस डिक्रीज इन रेडियाई अलोंग द पीरियड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड, ठीक है। जैसे ही हम लिथियम से आगे बेरिलियम में जाते हैं, बेरिलियम से हम आगे बोरोन में जाते हैं, तो हमने ये स्टडी की है कि जो है न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ओके, वेयर एज द कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन जो इलेक्ट्रॉन की होती है दैट टेक्स प्लेस इन द सेम प्रिंसिपल शेल, वहां पे शेल चेंज नहीं होता। सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं तो लिथियम में 2s में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसके बाद ये बेरिलियम में भी 2s में जा रहे हैं, उसके बाद अगर बात करते हैं बोरोन की तो 2p आगे फर्दर 2p में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, शेल जो हमारा सेम है सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, बट न्यूक्लियर चार्ज क्या बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से जो साइज है अलोंग द पीरियड वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हम 2p में डाल रहे हैं उनकी जो स्क्रीनिंग होती है, क्योंकि हमने देखा था कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है सेम शेल में इतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। अगर डिफरेंट शेल में जाते हैं तो वैल्यू वेरी करती है, बट सेम शेल में वैल्यू वेरी नहीं करती है, हमने देखा था स्लेटर रूल के हेल्प से हमने कैलकुलेट किया था ये, ओके। सो द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल दे डू नॉट स्क्रीन ईच अदर फ्रॉम द न्यूक्लियस, द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट न्यूट्रलाइज्ड बाय द एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस बाय द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम अलोंग द पीरियड, ओके। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द वेरिएशन इन अ ग्रुप, अब ग्रुप में क्या वेरिएशन आती है, जो एटॉमिक रेडियाई है दैट इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम डाउनवर्ड, ठीक है, फ्रॉम अप टू डाउन जब हम ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज करता है। अब इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, ये क्यों इंक्रीज करता है भाई, क्योंकि अब इसमें भी तो क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी तो इंक्रीज हो रहा है, बट ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, ये तो डिक्रीज होना चाहिए था। सो क्या होता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डिक्रीज करना चाहिए, बट जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं वहां पे हम क्या देखते हैं, देयर इज ए इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, मींस जो एन की वैल्यू है वो वेरी करती है। अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम में जो एन की वैल्यू है दैट इज 2, नेक्स्ट हम सोडियम की बात करें तो उसमें जो शेल आ रहा है वो थर्ड शेल आ रहा है, और पोटेशियम में दैट इज ए फोर्थ शेल, ठीक है, तो शेल वहां पे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं,
ठीक है जी। तो उस केस में क्या होता है कि जो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज साइज है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो वहां पे है वो इतना ज्यादा नहीं होता इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कि शेल का आता है, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट शेल आ जाएगा तो उससे क्या होगा कि साइज जो हमारे पास जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से और भी दूर होते जाएंगे। ठीक है, सो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द साइज ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ग्रेजुअली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो साइज जो है एटम का वो इंक्रीज करता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो इसमें अगर मैं वैल्यूज लिखता हूं कि जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रबीडियम एंड सीजियम, तो 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, अगर हम साइज की बात करें तो 1.23 ऑमस्ट्रॉन्ग है, 1.57 ऑमस्ट्रॉन्ग है, 2.03, 2.16 एंड 2.37 आता है। ठीक है, तो साइज क्या है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर हम इसको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं यहां पे एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, और यहां पे हम ले लेते हैं उनका एटॉमिक नंबर, तो यहां पे 0, यहां पे 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन ऐसे ले लेते हैं हम, और यहां पे जो वैल्यूज हैं वो हम 0.2, 0.4, 0.6 इस तरीके से ले लेते हैं। और हमने देखा है कि लिथियम का साइज कितना 1.23 है, तो मींस लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और उसका साइज जो है 1.23 है, तो उसकी पॉइंट यहां पे आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब नेक्स्ट है सोडियम, दैट इज 11, उसका साइज क्या आ जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली ये साइज जो है वो इसे इंक्रीज होता जाता है, और अगर हम अलॉन्ग द पीरियड की बात करते हैं तो साइज हमारा जो है वो डिक्रीज करता है इस तरीके से, फ्लोरीन तक डिक्रीज किया, नियोन हमने बीच में लिया नहीं, उसके बाद फिर से इंक्रीज कर गया, नेक्स्ट आगे फिर डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है। तो आप इस ग्राफ में क्या देखते हैं कि जो हमारे पास नोब अल्कली मेटल्स हैं वो टॉप पे रहती हैं और जो हमारे पास हैलोजन्स हैं वो बॉटम पे रहती हैं, मींस जो हमारे पास हैलोजन्स हैं उनका साइज जो है अलोंग द पीरियड वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, और जो अल्कली मेटल्स हैं उनका साइज क्या होता है, वो सबसे बड़ा होता है इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। ओके, सो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस फिगर दैट द अल्कली मेटल्स एटम्स आर एट द मैक्सिमम ऑफ द प्लॉट एंड हैलोजन एटम्स आर एट द मिनिमम। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ द नोबल गैसेस आर नॉट प्लॉटेड बिकॉज दे कॉरेस्पॉन्ड टू द वंडरवाल रेडियाई। सो दिस शोज द लार्जेस्ट एटम इन एनी पीरियड आर द अल्कली मेटल्स एंड द स्मॉलेस्ट एटम्स आर द हैलोजन्स। दीज आर द हैलोजन्स एंड दीज आर द अल्कली मेटल्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। In next lecture, I will discuss the ionic and the crystal radii, and we will also study their trends or the variations along the period as well as down the group. So thank you. Have a nice day.